Hey guys, it's DC here. Welcome back to another gameplay video of Indian Railways Train Simulator, जिसमें आज हम चलाने वाले हैं 12842 चेन्नई तमिलनाडु से शालीमार के लिए जाने वाली कोरोमंडल सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो गाइस आज का यार देखो सीन बताता हूँ आप सभी को, जो हमारी ट्रेन है कोरोमंडल सुपरफास्ट एक्सप्रेस वो पहुँच चुकी है भद्रक रेलवे स्टेशन। अपने निर्धारित समय से 2 घंटा 20 मिनट की देरी से ये चल रही है। अब मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, मैंने एक राउंड फिगर बताया, शायद इतना ही है। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हो, नेक्स्ट स्टेशन की जो हमारी विंडो है, भद्रक पे हमारे जो पैसेंजर्स हैं वो बैठ चुके हैं। ऑल दो मैंने अभी तक अपने डोर्स को ओपन नहीं किया है, तो मुझे नहीं पता ये कैसे चढ़े हैं और उतरे हैं। मे बी भाई देखो ये एमरजेंसी विंडो यहाँ पर थोड़ी सी खुली है, तो इसमें से ये लोग चढ़ उतर रहे होंगे। बट ऐसे कैसे पैसेंजर्स हैं कि दिख ही नहीं रहे हैं। एनी वेज गाइज, तो थोड़े से यहाँ पर डोर्स को ओपन करता हूँ। थोड़े से क्या यार, पूरे ही कर लो ना, इतनी कंजूसी क्या करनी है। तो गाइस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हमारी कोरोमंडल सुपरफास्ट एक्सप्रेस खड़ी हुई है। और रिसेंटली यार बहुत ही ना बड़ा इंसिडेंट हो गया था इस ट्रेन से रिलेटेड, मतलब ये डाउन गाड़ी है शायद, वो अप से रिलेटेड हुआ था। सो गाइस भद्रक पे ना पैसेंजर बोर्डिंग हमारी कम्प्लीट हो चुकी है और हमें नोटिफिकेशन दिया गया है। नोटिफिकेशन क्या यार, मतलब ऑर्डर ही दिया गया कि यू मे डिपार्ट नाउ। तो अगर हमारा डिपार्चर का टाइम हो चुका है तो मैं किस चीज़ की यहाँ पे वेट कर रहा हूँ? किसी चीज़ की वेट नहीं कर रहे हैं, हॉर्न बजाते हैं और जल्दी से यहाँ से डिपार्ट करते हैं। तो देखो मेरा पहला हॉर्न तो यहाँ पे बज चुका है, जल्दी से यार एक और हॉर्न बजाएंगे और डिपार्ट कर लेंगे। क्योंकि देख सकते हो जो स्टार्टर है ना हमारा गाइस, वो पूरा ग्रीन हो रखा है और आगे का एडवांस स्टार्टर और उसके आगे जितने भी ऑटो सिग्नल्स हैं वो सब के सब ग्रीन हो रखे हैं। और ये आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे साइड में कोई वैप 4 पता नहीं कौन सी शेड का है, देख लेते हैं। तो गाइस 22917 वटवा शेड का, बहुत ही दूर से आया ये, तो यहाँ पर कह सकते हैं मेहमान है ये वेस्टर्न रेलवे से, और वो भी वैप 4 ई है। अब तुम्हारा ये होमवर्क है, तुम मुझे बताओ वैप 4 और वैप 4 ई में क्या डिफरेंस होता है। बट एनीवेज तुम उस होमवर्क को कम्प्लीट करो, मैं भाई यहाँ से डिपार्ट करता हूँ, मेरे को हो चुका है बहुत ज़्यादा लेट। थ्रॉटल पावर गाइस मैं यहाँ पर लगाऊंगा थोड़ी सी बढ़िया वाली। अब भाई जो भी यात्रीगण अपना पानी वगैरह खरीद रहे होंगे, पानी की बोतलें खरीद रहे होंगे, खाने की चीज़ें खरीद रहे होंगे, मुझे नहीं पता, तुम अपने पैसे दो ना दो, तुम चढ़ जाओ ट्रेन में। मैंने एक तो इतनी प्यारी गाइस यहाँ से एक्सेलरेशन करी है ना, मतलब 20% की थ्रॉटल पावर बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो भद्रक रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से 12867 हावड़ा से पौंडीचेरी के लिए चलने वाली औरोबिंदो सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है डिपार्ट कर रही है, मतलब सॉरी डिपार्ट नहीं कर रही है, क्रॉस कर रही है। क्योंकि इस ट्रेन का गाइस यहाँ पर हॉल्ट नहीं होता है। और अगर लेफ्ट साइड पर देखोगे तो एक मालगाड़ी जो कि किसी वैगनाइन लोकोमोटिव के साथ यहाँ पर यार्ड में लगवा रखी है, मुझे नहीं पता भाई इसकी अनलोडिंग यहीं पर होगी या कहीं आगे होगी। एक तो अच्छा खासा बड़ा स्टेशन है ये, एंड शायद गाइस भद्रक से बालेश्वर हमने आई थिंक ये मेरा थर्ड रन है, थर्ड है या सेकंड है मैं भूल गया यार, एक तो काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है। अच्छा ये देखो राइट साइड में कितना प्यारा यहाँ पे नज़ारा है, कितनी सारी ट्रेन्स हमको देखने के लिए मिल रही हैं, और हमारा भाई इंडिया का नेशनल फ्लैग। तो बाय बाय करते हैं औरोबिंदो को, और पीछे देखते हुए थोड़ा चलते हैं कि भाई कोई हमारा स्पेशल गेस्ट तो नहीं छूट गया। और गेस्ट से मेरा मतलब है पैसेंजर, पैसेंजर यार क्या ही वीआईपी होगा इसमें, दिखता तो है नहीं, तो वीआईपी तुम क्या ही बना रहे हो। तो देख सकते हो गाइस एक तो पीछे हमको एक LHB हाई कैपेसिटी पार्सल वैन भी दिया गया है, हमारी ट्रेन में ये लग रखा है। गाइस ये जो मॉडल्स हैं ना हमारे कोचेस आज के LHB, ये वरुण गणेश भाई ने बनाए हैं, इन्होंने सीरियसली यार ये जो HCPV बनाया है ना, देखो मैं कितना इसको यूज़ कर रहा हूँ, मतलब मैंने 2 गाड़ियाँ सेम पार्सल वैगन की यहाँ पे खड़ी करवा दी हैं, मुझे इतना पसंद आया ये कोच। अब ट्रैफिक में अगर देखोगे रेलवेज में ये भी आजकल बहुत चलते हैं, पुराने टाइम में ICF चलते थे, बट अभी तो LHB में ही देखोगे, और अब तो भाई हर ट्रेन के पीछे एक ना एक HCPV दिख ही जाता है। भाई जब राजधानी को मिल रखा है तो फिर बाकी ट्रेन्स क्या हैं। तो चलो भद्रक को गाइस हम पीछे कर चुके हैं, आगे चलते हैं, आज का नज़ारा एंजॉय करेंगे, अपना रन एंजॉय करेंगे।
थोड़ा सा मैं यहाँ पे हॉर्न बजाता हूँ, और क्या कहते हो अपने पैसेंजर व्यू में चलें? तो चलो गाइज अपने पैसेंजर व्यू में चलते हैं। एक तो यार रिसेंटली तुम सभी को पता होगा कि क्या इंसिडेंट हुआ था इंडियन रेलवे से रिलेटेड, और कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट नहीं था, वो इंडिया के बाहर तक खबर पहुंच रही थी उसकी। अच्छा यहाँ देखो 30 की लिमिट दे रखी है, तो मैं उसको एक्सीड नहीं करूँगा। जैसे ही हमारी ट्रेन 110 की लिमिट में आएगी तभी भाई अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। अभी तो एक अच्छे लोको पायलट की तरह मैं ऑपरेट करता हूँ इस ट्रेन को। हमारा जो नेक्स्ट स्टेशन है, मतलब जो हमारा स्टॉप है शेड्यूल, वो है गाइस बालेश्वर। अब यार तुम कहोगे कि ये बालेश्वर क्यों, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। देखो जैसे इसको लिखा जाता है बालासोर इंग्लिश में, कोई भी यही स्पेल करेगा, और अगर कुछ और स्पेल करेगा तो भाई थोड़ा सा एक्सेंट बदल जाएगा और क्या होगा। बट हिंदी में जो इसे लिखा जाता है वो बालेश्वर ही लिखते हैं। एक तो जब ये एक्सीडेंट हुआ था ना इन तीन ट्रेनों का, एक तो 12841 थी और दूसरी कौन सी थी, शायद बेंगलोर से हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, और तीसरी कोई गुड्स ट्रेन थी। इसका जो एक्सीडेंट हुआ था, पहले मुझे लगा कि बालेश्वर पे ही हुआ है। आपको याद होगा मैंने कोई संपर्क क्रांति चलाई थी शायद, जो हमने बालेश्वर से भद्रक के बीच में ही चलाई थी। तब मैंने सोचा यार बालेश्वर तो मुझे सुना सुना लग रहा है, बट देन बाद में पता चला बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक्सीडेंट हुआ था। एक रेलवे स्टेशन है बहानगा बाज़ार करके, वहाँ पर मेन एक्सीडेंट हुआ था। और देखो यार 110 की लिमिट यहाँ पे हमारी ट्रेन को मिल चुकी है, आगे से आ जाती है 12839 हावड़ा से चेन्नई के लिए जाने वाली मद्रास मेल। किसी वैप 7 के साथ घुर्रात हुई भाई अपने अगले स्टॉप की तरफ जा रही है, जो कि होगा भद्रक। और ओपिंदो को इसके आगे ही छोड़ा गया है, अच्छा इसके पीछे नहीं लगा रखा, क्योंकि प्लेटफॉर्म 1 पे ऑलरेडी कोई गाड़ी थी और ओपिंदो रुकी नहीं है तो वो चली गई है, उसका स्टॉप नहीं था। अगर ये आगे रहती तो ये ओपिंदो को रोक सकती थी। और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो भद्रक के आउटर में ये मालगाड़ी के लिए यार पता नहीं क्या है, ये मेरे को लाइंस ना इस रूट में दिखती हैं, शायद ये कहीं ना कहीं मालगाड़ी ही जाती होंगी। अब ऊपर से देख सकते हो कोई मालगाड़ी हमें क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पे ट्रेन ओवर ट्रेन हो चुका है, जो कि काफ़ी प्यारा सीन है। और एक चीज़ सबसे बढ़िया मुझे अभी लग रही है, मेरा जो फ्रेम रेट है वो बिल्कुल भी डाउन नहीं हो रहा है। और भाई हॉर्न इतने प्यारे हैं ना आज के। आई थिंक इसमें से एक हॉर्न हमारे दिवाकर अरोरा भाई का है, तो भाई एक शाउट आउट उनके लिए। अभी रिसेंटली मैंने trainsim.com वेबसाइट चेकआउट करी थी, तो उस पर अवेलेबल थे वैप 7 के हॉर्न्स, तो मैंने सोचा यार इन्हीं को ट्राई करता हूँ। और देखो 110 की लिमिट में गाड़ी है, बट स्टिल जो मेरी स्पीड है वो ज़्यादा मैंने कैच नहीं करी। इस तरह से यार ट्रेन चलाता हूँ ना तो लगता है कि एकदम बढ़िया वाली लोको पायलट बन रखे हो। जो पूरे रूल्स को फॉलो करते हैं, प्रॉपरली एक्सेलरेट करना, या मतलब समझ जाओ क्या कहना चाह रहा हूँ। एक होते हैं ना एग्रेसिव वाले, कि भाई रन दिखाना है, अपनी गाड़ी अगर लेट चल रही है तो उसे ऑन टाइम करके दिखाएंगे, वो क्रियो अलग ही होता है। तो वो वाला मोड अभी मेरा एक्टिव नहीं था, बट अब शायद हो जाए, क्योंकि देख सकते हो भाई जो रफ्तार पकड़ रही है अपनी गाड़ी। 100% थ्रॉटल पावर यहाँ पे लगाते हैं, फुल खोल देते हैं भाई पावर को, बेल बजा के जाते रहेंगे। हमारा नेक्स्ट स्टॉप जो कि बालेश्वर है, यहाँ से हमें पड़ने वाला है 49 किलोमीटर। और गाइस देखो आज की ये जो एक्टिविटी है ना पूरी मेरी बनाई हुई है, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। और आई थिंक गाइस काफ़ी टाइम हो चुका है, मतलब 2-3 महीने में ये सबसे फास्टेस्ट टाइम में जो मैंने बनाई है ना, सबसे शॉर्ट टाइम में, वो यही एक्टिविटी है। आई थिंक 1-2 दिन में मैंने इसको कंप्लीट कर दिया, बाकी एक्टिविटीज़ बनाने में मेरे को एटलीस्ट 3-4 दिन लग जाते। तो भाई फाइनली अपनी जो ट्रेन है वो क्रॉस कर रही है 100 डिजिट कर चुकी है। 100 km/h के ऊपर अब अपनी गाड़ी जाते हुए, LHB गाड़ी 100 के ऊपर, यही तो मज़ा है। अभी तो 130 की लिमिट मिलेगी, पता नहीं आगे कोई शायद स्टेशन आएगा, रानीताल स्टेशन है, क्या मैं सही हूँ? चलो गैस करते हैं, मतलब गैस तो मैंने किया है। अच्छा देखो यहीं से दिख रहा है यार, रानीताल आगे स्टेशन आ रहा है। और भाई 110 की ही लिमिट है अभी, तो ज़्यादा मैं पावर ना इनक्रीज़ नहीं रखता हूँ। अरे मैं अंदर चला गया।
अच्छा ये देखो, रानीताल के लूप लाइन में कोई मालगाड़ी खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, और हम प्लेटफॉर्म नंबर 3 से बहुत ही सही रफ्तार में भाई स्किप कर रहे हैं इसको, रानीताल रेलवे स्टेशन को। और सीनरी तुम लोग गाइस देख सकते हो, बहुत ही प्यारी हो रखी है। अब देखो जैसे यहाँ पे पूरा भर रहा है, भाई क्या ही रफ्तार में गाड़ी जा रही है। अच्छा यहाँ देखो थोड़ा सा खाली है ना ये सीनरी, यही यार बहुत ही ना बेसिक सा हो जाता है। आप एक बार के लिए रेलवर्क्स में पीछे तक खाली भी छोड़ दोगे ना मैदान, तो भी सही लगता है। उसमें आई थिंक ऑटोमेटिक छोटी मोटी ग्रास रहती है रेलवर्क्स में, बट ये चीज़ MSTS में नहीं होता। आप MSTS में अगर खाली मैदान छोड़ दोगे ना, तो प्लेयर को वो इंटरेस्ट ही नहीं आएगा खेलने में। अब आगे से देखो कोई मालगाड़ी आ जाती है, भाई ट्रैफिक ना बहुत ही अलग लेवल पे है आज भी। देखो मालगाड़ी ये कौन से लोगों के साथ थी, दो लोगों थे नीले कलर के। अब नॉर्मल आदमी तो यही कहेगा, मैं बता देता हूँ वैक से बंदे। तो चलो बाय बाय कर दिया मालगाड़ी को, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे हमने हॉकिंग करी। और यार आज का ना तुम गाइस लोकोमोटिव भी चेकआउट करो, जो कि है भाई TKD शेड का WAP 7 39026 सकरनी प्लास्टर। ये रिसेंटली अपने हमजा भाई ने बनाया है, आई थिंक उन्होंने गाइस कुछ टाइम पहले ही ना काफ़ी सारे वैप 7 नई लिवरी में रोल आउट किए हैं, जिसमें से एक सकरनी प्लास्टर है। मैंने सोचा यार इतना प्यारा लोको लग रहा है ना, इसको तो यूज़ ज़रूर करना है अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो मैंने मेन लोकोमोटिव ही इसको बना दिया। अब मुझे पता है कि इस ट्रेन का गाइस लिंक कुछ और होता होगा, जो कि एक्चुअली में होता है। डेफिनेटली इसको TKD तो नहीं दिया जाता है, कभी अगर बाय चांस मिल गया तो वो ऑफ लिंक होने वाला है। और भाई तुम तो यहाँ पर रन देखो, मतलब ताबड़तोड़ यार 113 की रफ्तार, 114। तो चलो थ्रॉटल पावर को 75 पर छोड़ देते हैं, 130 की यहाँ पर हमारी लिमिट हो रखी है। आगे कोई रेलवे स्टेशन आ जाता है, जो कि है मारकोना रेलवे स्टेशन। और गाइस आगे ये कोई ट्रेन है, अच्छा ये कोई मालगाड़ी है। ओ भाई हम देखो किसी मालगाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं। यहाँ पर गाइस मालगाड़ी ने किसी MEMU ट्रेन को ओवरटेक कर दिया, और हम भी भाई फुल टूना यार, बहुत ही गंदा एक्शन है आज। ये देखो मालगाड़ी को क्या रफ्तार पे ओवरटेक किया है, 118 की रफ्तार पे और फुल टू हॉकिंग के साथ। वैसे अगर आप इस सेक्शन में रेल फैनिंग के लिए जाओगे ना, तो कुछ ऐसे ही एक्शन आप विटनेस कर सकते हो। अच्छा ये जो देखो MEMU ट्रेन थी, बालेश्वर से भुवनेश्वर के लिए जा रही थी शायद, काफ़ी लंबा रन है यार इस MEMU ट्रेन का। तो चलो मारकोना को बाय बाय करते हैं, अब आगे देखते हैं। और सीनरी तुम सभी देख सकते हो, बहुत ही प्यारी यहाँ पे दर्शाई गई है। वापस चलते हैं भाई अपने पैसेंजर व्यू में, जो कि हमारा यूजुअल है। वेदर काफ़ी साफ हो रखा है आज भी, वेदर रिपोर्ट हमारा ओपन रेल्स हमेशा ओके रखता है। अपना जो बालेश्वर रेलवे स्टेशन है वो 39 किलोमीटर बाकी है, भद्रक से हमें वो आई थिंक 52 पड़ा था, और अभी हमने कितना कवर कर लिया, 23 किलोमीटर, कितने मिनट में, 16 मिनट में, काफ़ी है यार। और गाइस अभी अगर आप थोड़ा डिस्टेंस पर चेक करोगे तो 120 किलोमीटर हमारी पास आ रही है यार, 130 से 120 में क्या ही फ़र्क हो जाएगा। एनीवेज गाइस लगता नहीं होगा, थोड़े से कम ही डिजिट लगते होंगे कि 10 किलोमीटर पर आ रही तो रफ्तार घटी है, बट वो भी काफ़ी होती है। तो चलो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, थ्रॉटल पावर को डाउन कर देता हूँ। और भाई ये ब्रिज ने तो मतलब तबाही मचा दी यहाँ पे। और देखो थ्रॉटल पावर को गिरा रखा है ना, तो मेरी जो स्पीड है वो डिक्रीज होती जा रही है। यहाँ पर हम किसी गाइस मालगाड़ी को क्रॉस कर देते हैं, यार बड़ी सारी मालगाड़ियाँ छोड़ दी इन लोगों ने, तीसरी मालगाड़ी है शायद ये। और ये वाली तो जा भी डीजल इंजन के साथ रही है। तो गाइस आगे कोई रेलवे स्टेशन आ जाता है, जो कि है सबीरा रेलवे स्टेशन, जिसको भाई 117 की रफ्तार पे हम क्रॉस कर रहे हैं। थोड़ी सी मैं यहाँ पे थ्रॉटल पावर को इंक्रीज़ कर देता हूँ,
और इधर आते हैं तो आप प्लेटफॉर्म उसके विटनेस कर सकते हो। भाई गाड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। नो डाउट गाइस, कोरोमंडल सुपरफास्ट एक्सप्रेस का ना रन काफ़ी अच्छा है, बट इसकी हिस्ट्री ना अच्छी नहीं है। अगर आप इसकी हिस्ट्री चेकआउट करोगे तो इस ट्रेन से ना बहुत ही सारे एक्सीडेंट्स हैं जो कि रिलेटेड हैं। एक आप 15 अगस्त 1997 का चेकआउट कर सकते हो, उसमें भी फेस टू फेस ये कोलाइड हो चुकी थी और उसमें भी भाई कैजुअल्टी अच्छी खासी थी। बट ये वाला जो रिसेंटली हुआ ना, ये भाई बियॉन्ड वर्ड्स था। मतलब तुम लोग इमेजिन कर सकते हो, अगर हमारे रेल मंत्री और प्रधानमंत्री, मतलब रेलवे मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, दोनों उस स्पॉट पे पहुंच चुके हैं, तो भाई समझ सकते हो कि किस लेवल की वो चीज़ हुई होगी कि मंत्रियों को, सबसे ऊंचे पद वाले, उन्हें आना पड़ गया। यार 3 किलोमीटर के बाद फिर से मेरी स्पीड डाउन करवा रहे हैं। बट वैसे मेरा लोको पायलट आज अच्छा है, ऑटोमेटिकली जो मेरी ट्रेन की स्पीड है ना वो डिक्रीज़ ही हो रही है। थ्रॉटल पावर ही मैंने इतनी अच्छी वाली लगाई है, चलो और डाउन कर देता हूँ। क्या फ़ायदा यार, फिर 100 किलोमीटर में अपनी ट्रेन थोड़ा सा पॉइंट में भी ऊपर रहेगी। जब से हमारी ट्रेन चली है बिल्कुल भी ओवर स्पीडिंग नहीं हुई है, काफ़ी अच्छे लोको पायलट की तरह ट्रेन को ऑपरेट किया है। बट एक मोमेंट में अगर थोड़ा सा अप एंड डाउन हो गया तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा यहाँ आप देख सकते हो यार, बढ़िया हरियाली हो रखी है दूर दूर तक। अब आप देखो यहाँ पर तो थोड़ा प्यारा भी लग रहा है। अगर रूट क्रिएटर पूरे ऑल द वे ऐसा भी कर देना कि थोड़े से डिस्टेंस पे पेड़ हैं जो कि कवर कर रहे हैं बैकग्राउंड, तो वो भी अच्छा लगेगा। बट अगर पूरा मैदान भाई सफा चट हो रखा है, टकला कर रखा है उसको, तो फिर थोड़ा सा एक्साइटमेंट कम हो जाता है। चलो यहाँ पे थोड़ा सा और मैं हॉर्न बजा देता हूँ, आगे मेरी 100 किलोमीटर बहुत ही पास आ रही है। और स्पीड देखो यार कितनी बढ़िया तरीके से कम होती जा रही है। आगे से गाड़ी आ जाती है 22642, शालीमार से चलने वाली, थिरुवनंतपुरम सेंट्रल के लिए जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस है क्या शायद। गाइस रन देखो यार, कितना प्यारा दिया है इस गाड़ी ने। हाँ सुपरफास्ट एक्सप्रेस थी। और देखो दोनों ट्रेनों ने एक साथ लेवल क्रॉसिंग को क्रॉस किया है। थोड़ी सी मैं यहाँ पे थ्रॉटल पावर को इंक्रीज़ करता हूँ, 100 की लिमिट है, बट मैं 95 से 99 तो मेंटेन कर ही सकता हूँ। आई थिंक गाइस ये 100 की लिमिट ना किसी रेलवे स्टेशन के लिए होती है। यहाँ पे ये आप देख सकते हो कोई रेलवे स्टेशन आ रहा है, सोरो जिसका नाम है, तो ये सोरो शहर होगा। यहाँ पे गाय खड़ी है यार रेलवे लाइन के पास, उनको अलग करना चाहिए। मुझे तो रोड पे भाई गाय वगैरह आ जाए तब डर लगता है, गाड़ी चलाते वक्त या अपने टू व्हीलर जो होते हैं उनको चलाते वक्त कहीं अचानक से आगे आ गए तो। फिर ये तो रेलवे लाइन के बाजू में खड़ी कर रखी हैं, और जो कि इनको नहीं करनी चाहिए। अच्छा यहाँ देखो हमने किसी ट्रेन को ओवरटेक कर दिया, ICF ट्रेन है और किसी TKD शेड के डीजल लोकोमोटिव के साथ है। भाई TKD क्या कर रहे हैं, अपने सारे लोकोमोटिव उसने यहाँ पर छोड़ रखे हैं। ये गाइस SER हुआ या ECOR हुआ, अब यार मुझे ध्यान में नहीं आ रहा कि ये ECOR है या शायद वही है। तो सोचो यार TKD के डीजल लोकोमोटिव तक यहाँ पर आकर ट्रेन्स को हॉल कर रहे हैं, किसी ICF ट्रेन पर लगा पड़ा है, उसको मैं ओवरटेक करके आ गया। अच्छा देखो यहाँ पे जो ये 100 की लिमिट ना इस रेलवे स्टेशन के लिए थी। और भाई कोई गाड़ी आ गई यार, मैं ऑलमोस्ट उसके आ गया था, बच गया अभी। वैसे थी कौन सी, चेक करते हैं, अब नाम यहाँ से पता चलेगा। सुगा 08440 पटना से पुरी स्पेशल, पुरी के लिए जाने वाली कोई ICF स्पेशल ट्रेन है, समर स्पेशल होगी। तो चलो अपने लोकोमोटिव पे वापस चलते हैं। लोकोमोटिव क्या मतलब पैसेंजर व्यू में रहते हैं। थोड़ी सी यहाँ पे मैं थ्रॉट पावर को बढ़ाता हूँ, 75 कर देते हैं, 130 की हमारी लिमिट हो रखी है। जो हमारा बालेश्वर रेलवे स्टेशन है वो बाकी है 26 किलोमीटर। काफ़ी प्यारी गाइज हमें यहाँ पे राइट साइड में सीनरी देखने के लिए मिल जाती है। आई थिंक सूरजमुखी के ये खेत हैं, देखो या तो सूरजमुखी है या कुछ और तो है, पता नहीं यार, बहुत स्पीड में जा रही है ना ट्रेन तो मुझे समझ नहीं आ रहा। एक तो सूरज भाई इतना ज़्यादा चमक रहा है ना कि कहीं एक शैडो भी नहीं दिख रही है। अब ये अलग बात है कि मैंने शैडोज़ को ऑफ कर रखा है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की ही शैडोज़ हम मुझे दिखाई जाएंगी।
क्योंकि गाइस देखो शेडोज फॉर ऑल शेप्स ऑफ करके ना भाई FPS बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर तुम फ्रेम रेट जो है ड्रॉप फेस कर रहे हो तो तुम उस फीचर को ऑफ कर सकते हो ओपन रेल्स के लिए अपना FPS अच्छा करने के लिए। और पता नहीं भाई ये कौन सी जगह है यार, यहाँ की सीनरी काफ़ी प्यारी कर रखी है। जो रेलवे लाइन के आसपास वो गांव वगैरह नहीं होते, आई थिंक वो होंगे ये सब, जिनको कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं दिया जाता है। थोड़ा सा आगे चल के किसी मेन गांव का जो है रेलवे स्टेशन बना दिया जाता है, तो उसी से लोग चढ़ते उतरते रहते हैं आसपास गांव वाले भी। अच्छा यहाँ देखो जो मेरा सिग्नल है वो येलो रखा है, डबल येलो है, तो अब जो लोको पैलेट करेगा वो ब्रेक्स लगाना स्टार्ट कर देगा। तो मैं भी यही करता हूँ, पूरी ट्रेन के ब्रेक्स तो मैं अप्लाई करूँगा नहीं, मुझे पता है कि ये हमजा भाई के जो लोकोमोटिव होते हैं उसमें इंजन ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी दी जाती है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी लोकोमोटिव में तो भाई बटन दबाते रह जाओगे, ब्रेक्स अप्लाई नहीं होंगे। सो गाइस मेरे जो यहाँ पे सिग्नल भाई हो रखे हैं वो हो रखे हैं रेड। अब मुझे नहीं पता ये कौन सा रेलवे स्टेशन आ रहा है, आगे से कोई ट्रेन भी आ रही है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे हॉर्न बजाता हूँ, देखता हूँ कौन सी गाड़ी है। 03101 कोलकाता से पुरी के लिए जाने वाली स्पेशल ट्रेन। यार काफ़ी सारी ICF ट्रेन क्रॉस कर रही हैं एक साथ, अभी ICF गई उसके पीछे भी ICF लगी पड़ी है। सही है यार, ICF के पीछे LHB रहती ना, तो फिर तुम्हें पता है 130 का सेक्शन है, आगे 110 की गाड़ी है, पीछे 130 लग जाएगी, दिक्कत हो जाती है। तो गाइस अभी देख सकते हो हमारी जो ट्रेन है वो बहानगर रेलवे स्टेशन पर अप्रोच कर चुकी है। यही वो स्पॉट है जहाँ पर भाई उन तीन ट्रेनों का एक्सीडेंट हुआ था। अब देखो वहाँ सीन क्या हो रखा था ना, जैसे ये लेफ्ट साइड पे कोई गुड्स ट्रेन को लूप कर रखा है, उस टाइम पर भी रात को वही किया था। दोनों लाइन लूप जो होती हैं उसमें मालगाड़ी खड़ी हुई थी, और कोरोमंडल को जिसको मेन लाइन से जाना था 130 की रफ्तार पर, वो भाई पीछे से जो स्विच था ना वो लूप पर स्विच कर चुकी थी, और वो भी 130 की स्पीड पर। तो भाई सोच सकते हो कि क्या ही हुआ, सबके सामने वो नज़ारा था, बस क्या कह सकते हैं यार। और बट एनीवेज मैं थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करता हूँ, जो मेरा सिग्नल है उसको क्रॉस करने की कोशिश नहीं करूँगा जो कि रेड हो रखा है, कर दिया तो फिर मेरी नौकरी यहाँ पे ख़तरे में आ जाएगी। यार Web7 रोक भाई, कितनी क्लोज ले जाके रोकेगा। अब गाइस देखो जैसे यहाँ पे डीरेलमेंट हुई है, तो अगर मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ, ये स्विच देख रहे हो, यहाँ से पीछे जो तीन डब्बे होंगे ना इस ट्रेन के, वो ऑपोजिट लाइन पे आ गए थे। अब पता नहीं वो कब आए, जब पास कर रही थी जो कि दूसरी ट्रेन थी, जो कि शायद थी 12864 बेंगलोर से हावड़ा सुपर फास्ट एक्सप्रेस, उसके लास्ट के तीन डब्बों पर डीरेल कोरोमंडल के कोचेस टकराए होंगे, तो उसके भी आखिरी के जो तीन डब्बे थे ना सिर्फ वही डीरेल हुए। तो कुछ ऐसा भाई यहाँ पर मंजर था। अच्छा रात को जो फ़ोटोज़ आई थी और दिन का जो भाई फ़ोटोज़ आई थी, दिन में पता चला था कि कितना भयानक हादसा हो रखा है, रात की फ़ोटोज़ देख के तो भाई लगा था कि चलो एटलीस्ट शायद 3-4 कोचेज होंगे या बच गए होंगे लोग, इतना बड़ा हादसा नहीं होगा। बट जब दिन में देखा कि भाई पूरा सब कुछ फैल रखा था, जो व्यू था ना मतलब किसी को भी भाई डरा सकता था अच्छा खासा वो। तो भाई बहानगर बाज़ार के स्टेशन मास्टर या कंट्रोलर जो भी हो जल्दी से सिग्नल दो, ये गाइस देख सकते हो। यार ये मालगाड़ी को तो नहीं निकालेंगे, कौन सा Web7 है, नहीं सॉरी Wagon 9 है, 31916 भिलाई शेड का Wagon 9 है गाइस। अच्छा देखो यहाँ पे सिग्नल दे दिया गया है, स्टार्टर हमारा ग्रीन हो रखा है मेन लाइन का, तो चलो ब्रेक्स को यहाँ पे रिलीज़ करते हैं, हॉर्न को यहाँ पे साउंड कर देता हूँ मैं, और OHE वायर मेरे से टच हो रखी है तो थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ वरना मेरी तंदूरी यहाँ पे बन जाएगी। एक और हॉर्न बजाता हूँ, एक हॉर्न हमारा यहाँ पे और बज चुका है, तो भाई थ्रॉटल पावर लगाओ, ट्रेन को यहाँ से डिपार्ट करो। बालेश्वर रेलवे स्टेशन जो गाइस हमारा बाकी है वो है 21 किलोमीटर, और अगर देखा जाए तो भाई मेल लाइन से डिपार्चर है, अच्छी खासी गाड़ी है, LHB फाइड है, Web7 दिया गया रखा है, तो फिर उसका यूज़ करो अच्छे से, 75% की थ्रॉटल पावर लगाओ। अगर आप कहीं रियल में भी इस तरह से आपकी ट्रेन को अनशेड्यूल हॉल्ट मिलता है ना मेन लाइन पे, फिर जो क्लियरेंस होगा Web7 उठा देगा भाई गंदी वाली मतलब ट्रेन को। अब देखो बालेश्वर का टाइम दिया गया था 8:37 का, 20 किलोमीटर अभी भी डिस्टेंस बाकी है,
हाँ हाँ ठीक है भाई, 21 है, मैं राउंड फिगर कर रहा हूँ। तो भाई बाय बाय करते हैं बहानागा बाजार रेलवे स्टेशन को। अच्छा इसकी देखो डाउन लाइन ग्रीन हो रखी है, जो सिग्नल है वो हरा हो रखा है। आई थिंक कोई ट्रेन अप्रोच करने वाली है, तो मैं ट्रैक साइड पर रहता हूँ, देखते हैं कौन सी ट्रेन अप्रोच करेगी। और ये देखो यार, रूट क्रिएटर ने यहाँ पे शायद थर्ड लाइन का वर्क दिखा रखा है, बट रियल में ना शायद ये थर्ड लाइन प्रोग्रेस पूरी कर चुकी है। मेरे कहने का मतलब है कि ये शायद थर्ड लाइन काम हो चुका है, असली में हो चुका है क्या? सुनने में तो आता है यार काफ़ी। सामने देखो 12510 गुवाहाटी से बेंगलोर के लिए जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अच्छा इस पे देखो जो वैप 7 दिया गया था ना, वो भी लिवरी वाला था, लिवरी मतलब एड वाली लिवरी। तो ये भी अपने हमजा भाई ने नया बनाया है। और एक चीज जो मैं बताना भूल गया ना, ये देखो यार, ये वैप 7 को अगर तुम लोग क्लोजली देखोगे तो उसमें मुझे काफ़ी चीज़ ऐसी लगी जो कि नहीं है। और इसका जो मॉडल है ना, पुराने वाले वैप 7 से काफ़ी ज़्यादा डिटेल में लग रहा है, अगर आप थोड़ा सा क्लोजली देखोगे। और उन्होंने एक शायद गिफ्ट भी दिया था, जो कि कोई WDM3 है था, जो हमें क्रॉस कर चुका था वो BTPN ट्रेन के साथ। उस मॉडल को भी अगर आप क्लोजली देखोगे तो पुराने एल्को से कंपेयर करोगे ना, तो काफ़ी डिफरेंस लगेगा। तो हाँ यार, उनकी ये बात थोड़ी अच्छी लगती है कि जितने भी वो नए मॉडल लाते हैं उन सब में कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहते हैं। आप देखो जैसे क्वालिटी उन्होंने काफ़ी इम्प्रूव कर दी है पहले से, तो भाई मतलब पहले की जो क्वालिटी है ना वो भी ऑलरेडी 100 थी, बट अभी की जो कर दी है वो प्लस में ही जा रही है, तो बियॉन्ड 100 ये तो फिर बढ़िया ही है। अच्छा आगे देखो कोई स्टेशन आ जाता है जो कि है पनपना। ये क्या यार, PH क्या है? PS तो ज़्यादातर हम लोग फ़ोन नंबर बोलते हैं, या फार्मेसी है क्या पनपना? PH गाइस सीरियसली मुझे नहीं पता, बट पनपना रेलवे स्टेशन है, जिसको भाई मैं पूरा हॉर्न बजा के क्रॉस करने वाला हूँ। तो जिसको भी थोड़ा सा कान की दिक्कत हो अपना वॉल्यूम डाउन कर देना यहाँ पे। चलो इतना तो काफ़ी है यार, अब तो सभी लोग हट गए होंगे सामने से कि हाँ भाई कोरोमंडल आ रही है, सामने से हट जाओ। यार ये सिग्नल कितना क्लोज है, थप्पड़ मार के चला गया। देखो यार कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे सीन, ये सड़क देख रहे हो बाजू में जैसा असली में होती है। इस रूट में यही चीज़ काफ़ी बढ़िया लगी, छोटी छोटी जो डिटेलिंग है, अगर आप प्रॉपरली पूरे एंजॉय करते हुए चलते हो, ये नहीं कि भाई भगाते जा रहे हो ट्रेन को, पूरे हल्के हल्के एंजॉय करते हुए जाओगे ना तो काफ़ी चीज़ें दिखेंगी जो कि रियल में होती हैं। वरना बाकी रूट में अगर आप देखोगे, अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि डिसरेस्पेक्ट कर रहा हूँ, बट ज़्यादातर आप नोटिस करोगे कि जो क्रिएटर्स होते हैं ना भाई, वो ऑब्जेक्ट उठाते हैं और लगा देते हैं, पेल देते हैं कि हाँ भाई हर जगह जंगली जंगल कर दो। और घास भाई कितनी सी होती है, छोटी सी होती है, बट उनकी जो घासें होती है ना वो पटरी से आधी हाइट पर ऊपर आ रखी होती हैं और वो ट्रेन के अंदर घुस रही होती हैं। ऐसी कौन सी घास है भाई जो कि वैप 7 की हाइट तक की होगी? तो वो चीज़ देख के भाई एकदम रेड फ्लैग हो जाता है मेरे लिए। अब देखो यहाँ पे जो इस रूट की क्रिएटर हैं, उन्होंने भी ये घास वगैरह लगाई है, बट ये ट्रैक पर नहीं है, ये साइड पर है। आप ट्रैक साइड में जितनी भी ये घास लगाओगे, पेड़ पौधे लगाओगे, उन्हें तो कितना ही बड़ा कर लो, बट जो ट्रैक पर आप ला रहे हो उसको तो एक प्रॉपर हाइट पर रखोगे ना। अच्छा अभी देखो ये कोई कर्व है तो बढ़िया वाला हॉर्न बजाते हैं। ओ भाई यहाँ पे बहुत गंदा ग्रेडियंट है, थ्रॉटल पावर 10% कर दो यार। अभी देखो नीचे आए, अब वापस ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर जा रहे हैं तो भी बहुत गंदा वाला ग्रेडियंट है, तो भाई थ्रॉटल पावर बढ़ा दो अच्छी वाली। सो गाइस आगे ये रेलवे स्टेशन आ रहा है खानतापारा, जिसको हम क्रॉस करने वाले हैं ऑलमोस्ट 93 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर। और आगे से शायद कोई गाड़ी आ रही है, देखते हैं कौन सी है। अच्छा आ नहीं रही है, आई थिंक साइड में खड़ी हुई है। 18021 खड़गपुर से खुर्दा रोड के लिए जाने वाली कोई मेल एक्सप्रेस ट्रेन है, मतलब सुपरफास्ट नहीं है, एक्सप्रेस ट्रेन है। और इसमें देखो सारे के सारे जनरल कोच थे, और कुछ चेयर कार होंगे, उसके पीछे भी AC चेयर कार होंगे, तो इंटरसिटी टाइप ट्रेन है।
चलो ये अच्छा है कि थोड़ा सा आगे जाने के बाद जो है 130 की लिमिट हमें वापस देखने के लिए मिल जाएगी। अरे यार 37 मेरा यहीं पर हो चुका है, अभी भी 12.5 किलोमीटर का डिस्टेंस मेरा बाकी है। क्या कहते हो कितने बजे पहुँचेंगे? हाँ डीले तो भाई देखो अब होगा ट्रेन को, बाकी मैं अभी ओवर स्पीडिंग कर दूँ तब लग जाएगी। ऑन टाइम तो नहीं लगेगी, लेट ही लगेगी, बट थोड़ा सा लेट होगी। फिर अभी मैं अगर सब कुछ फॉलो करके चलता हूँ, स्पीड लिमिट को फॉलो करके चलता हूँ, प्रॉपरली जाता हूँ, तो फिर कहीं ना कहीं भाई 10-15 मिनट का तो डीले मुझे मिलने वाला है। अच्छा आगे से गाड़ी आ जाती है 22504 डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के लिए चलने वाली विवेक सुपरफास्ट एक्सप्रेस। काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस वाली ये गाड़ी है हमारे जो रेलवेज में चलती है। सोचो यार डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, पूरा नॉर्थ ईस्ट से यहाँ पर, कहाँ पर, साउथ इंडिया में, आई थिंक 3-4 दिन का सफ़र रहता है यार इस ट्रेन का। कोई अगर इसमें ट्रैवल करेगा तो फिर क्या होता होगा। वैसे लोग ट्रैवल करते हैं, एंड टू एंड करते हैं। तो भाई आगे स्टेशन आ रहा है नीलगिरी रोड। यहाँ पे फाटक था तो मैंने हॉर्न बजा दिया टाइम पे, ये अच्छी बात है, कोई स्टंट नहीं दिखा रहा था, इधर उधर नहीं भाग रहा था। अच्छा नीलगिरी को देखो क्रॉस करने के बाद ना जो स्पीड हमें दी जाएगी वो 130 वापस हमें मिल जाएगी। तो चलो नीलगिरी को अच्छी खासी स्पीड पे क्रॉस करते हैं। अच्छा यहाँ मालगाड़ी लगा रखी है लूप लाइन पर। ये सेक्शन काफ़ी अच्छा है भाई रेल फैनिंग के लिए, हर मोमेंट पे आपको कुछ ना कुछ देखने के लिए मिलता ही रहेगा। कभी मालगाड़ी लूप पर जाएगी, कभी मेन लाइन से जो ट्रेन है अगर स्टॉप नहीं है तो 101% फाड़ के जाने वाली है, क्योंकि MPSE इतना अच्छा है। सो गाइस आगे से ट्रेन आती है 12891 बांगरी पोसी से पुरी के लिए जाने वाली इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अच्छा देखो ICF गाड़ी थी तभी वो मालगाड़ी लूप पे लग रखी है। ये S बन रखा है क्या? क्या शानदार लग रही है ट्रेन अपनी, देख रहे हो वो भाई 130 की लिमिट मिल चुकी है यार। मुझे असली में ट्रेन का हॉर्न की आवाज़ आ रही है, मेरे होम टाउन के रेलवे स्टेशन से कोई गाड़ी डिपार्ट कर रही है, सुबह की पैसेंजर होगी, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:50। जी हाँ मैं जैसे ही नींद से उठता हूँ मैं काम पे लग जाता हूँ, बट ये होता महीने में एक बार है। अब ठीक है ज़्यादा मजाक नहीं करते हैं, कोशिश रहेगी कि इस बार अगली वीडियो ना मेरी 3-4 दिन के टाइम पीरियड में आ जाए, बट मैं अब बोलूँगा नहीं, जब भी बोलता हूँ ना भाई नज़र लग जाती है। और एक चीज़ और, ज्ञान की बात है सुन लो, अब मुझे पता है कहीं ये काम पे नहीं आने वाली, बट बोलने में क्या जाता है, ये जो हमारी ट्रेन है ना गाइस कोरोमंडल सुपरफास्ट, ये जो टोटल डिस्टेंस कवर करती है वो आई थिंक 1660 किलोमीटर कवर करती है चेन्नई से शालीमार तक का। और अगर तुम लोगों को शालीमार समझ में नहीं आ रहा है कि शालीमार है कहाँ यार भाई ये तो बताओ, तो कोलकाता के आसपास ही है, जो कोलकाता को ट्रेन जाती हैं वो शालीमार पे पहुंच जाती हैं। अच्छा ये देखो मालगाड़ी ने क्रॉस कर दिया, जैसे दिल्ली का समझाता हूँ, दिल्ली है, नई दिल्ली है, और फिर दिल्ली सराय रोहिल्ला है, हज़रत निज़ामुद्दीन है, तो जिस जिस सिटीज़ पे बहुत सारा लोड होता है ना रेलवेज़ का, उसको बहुत सारे रेलवे स्टेशन दे दिए जाते हैं कि भाई थोड़ा सा उनका लोड कम पड़ता रहे। आप सोचो अगर शालीमार नहीं होता, शालदा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ हावड़ा रेलवे स्टेशन होता तो वहाँ पर कितनी सारी ट्रेन्स होती ऑलरेडी, क्योंकि आपको पता ही होगा हावड़ा रेलवे स्टेशन वन ऑफ द बिगेस्ट रेलवे स्टेशन है हमारे इंडिया का, और वहाँ से रोज़ के डेली बेसिस पर कितनी सारी ट्रेन्स निकलती हैं। ओ भाई आगे ये रोलर कोस्टर राइड हो रखी है यार, ये देखो ट्रैक सीधा ऊपर जा रखा है। तो भाई मैं मजाक थोड़ा कम करता हूँ, थ्रॉटल पावर डाउन करता हूँ और ब्रेक्स को अप्लाई करने के लिए रेडी रहता हूँ, थ्रॉटल पावर को तो पूरी छोड़ देता हूँ। अपने लोकोमोटिव के पास में आ जाते हैं, देख सकते हो भाई क्या घुर्रा तो ये जा रहा है अपना Vapsavan। आज तो एंट्री कर ही दूंगा बालेश्वर पे, मुझे पता है भाई करनी है, अच्छी वाली करनी है।
बट यहाँ पे स्पीड को मैं डाउन करके रहूँगा, डबल येलो क्रॉस कर रहा हूँ वो भी 110 की स्पीड पर। तो गाइस आगे से कोई मालगाड़ी अप्रोच कर रही है शायद। काफी एक्शन देखने मिला यार आज को। ये देखो गाइस दो वैगनाइन थे BCNA फ्रेट ट्रेन के साथ। तो भाई देख सकते हो एक्शन बहुत ही प्यारा हुआ है। यहाँ भी बालेश्वर रेलवे स्टेशन पे बहुत ही प्यारी एंट्री करते हुए, आउटर में ही हमारी ट्रेन ने जो एंट्री करी है वो ऑलमोस्ट 80 की स्पीड पर ही करी है। यहाँ पर होम सिग्नल को क्रॉस कर चुके हैं और हॉर्न बजा के एंट्री लेते रहते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर आई थिंक 3 पर एंट्री है। तो चलो गाइस, यार वेब 7 को लकवा मार गया था अभी। तुमने नीचे की बोगी देखे, हिल डुल रही थी भाई, डराओ मत। अच्छा ये देखो कोई ट्रेन खड़ी है यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर, इसको हम ओवरटेक करेंगे। ऐसा ना हो मैं स्टॉप ले रहा हूँ और इसको आगे निकाल दें, डर लगता है भाई कभी कभी कंट्रोलर से। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप तुम सभी ने एंजॉय किया हो। अभी एक लास्ट क्रॉसिंग और बाकी है इस एक्टिविटी की, वो तो मैं तुम्हें ज़रूर दिखाऊंगा क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई वो। अब मुझे पता है तुम कह रहे हो भाई इम्पॉर्टेंट है तो जल्दी दिखाओ, मेरे भाई मुझे स्टॉप तो लेने दो तभी तो दिखाऊंगा। तो वेब 7 देख भाई, रेड सिग्नल क्रॉस नहीं करना है। एक तो यार मैंने आउट्रो ऑलरेडी अपना बोल दिया है, स्टिल मेरी वीडियो चल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पे हो सकता है कि कुछ भी जो है प्लान्ड नहीं है, सब कुछ रॉ मिलेगा आपको। तो भाई सकरनी वेब 7, पीछे का तुम्हारा मैं स्टेटस चेक करता हूँ, मतलब तुम्हारा नहीं ट्रेन का भी नहीं, पीछे जो HCPV है वो प्लेटफॉर्म में आया है या नहीं। एनीवेज गाइस HCPV से पैसेंजर नहीं उतरेंगे, बट भाई जो उसका पार्सल होगा, जो भी अंदर मतलब जो भी सामान होगा, गुड्स होगा, वो तो उतरेगा ना। तो चलो यहाँ पर बहुत ही प्यारा स्टॉप गाइस हमने ले लिया है और एक क्रॉसिंग दिखाता हूँ अब तुम सभी को। तो गाइस यहाँ पर आ जाती है हावड़ा से पुरी के लिए जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। तो भाई बताओ यार आज की वीडियो सभी को कैसी लगी। सो गाइस स्टे सेफ, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, अपना ध्यान रखो, मेरी वीडियोज़ देखते रहो। अब मैं आप सभी से मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। चलो ट्रेन के साथ मैं डिपार्चर तो दिखाई देता हूँ। सिग्नल मेरा ग्रीन हो रखा है क्या? चलो यहाँ पर हमें सिग्नल भी ग्रीन दे रखा है और मैं अपने ब्रेक्स को यहाँ पर पूरा रिलीज़ कर देता हूँ। जल्दी से ट्रेन को भाई डिपार्चर दिखा दो, अपने व्यूअर्स को बढ़िया सा यहाँ पर एक्शन देखने के लिए मिल जाना चाहिए। भाई ट्रेन मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है, तुम्हारा यहाँ पे क्रियू चेंज हो चुका है और यहाँ से तुम्हें जो ऑपरेट करेंगे वो होंगे रेलवे गेम स्टार। तो गाइस अब तुम उनके चैनल पे जा सकते हो और उन्हें कह देना कि बालेश्वर रेलवे स्टेशन तक भाई देवांश भाई लेके आ गए थे, अब इसके आगे आपको गाड़ी लेके जानी पड़ेगी। तो चलो गाइस अब मैं तुम सभी से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आई विल सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो नाउ। देख रहा हूँ अभी तक तुम लोग गए नहीं हो ना, डिपार्चर को एंजॉय कर रहे हो। कोई नहीं, मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ, जो करेंगे साथ में करेंगे, सिर्फ इस गेम में। तुम एंजॉय करोगे तो मैं भी एंजॉय करूँगा।
तो चलो गाइस, बाय बाय।